लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गुवाहाटी में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने किया बिरला का स्वागत। क्या कुछ कह रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के निर्णय इस बैठक को भव्यता देने का काम किया। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया, जो दुनिया में बहुत खूबसूरत है, यहाँ की खूबसूरत वादियां, यहाँ की घाटियां, यहाँ की मनोरम नदियां, माँ देवी काम्यका का प्रसिद्ध मंदिर, यहाँ की बहु संस्कृति, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर और विविधता वाला ये पूर्व प्रदेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। माननीय सदस्यों, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में 9 रीजन के 53 देशों के 180 विधानमंडल के सदस्य हैं। ये सभी सदस्य सामूहिक रूप से अपनी उत्कृष्ट परंपराओं, प्रभावी नीतियों और नवाचारों को साझा करते हुए संसदीय लोकतंत्र को एक मजबूत और एक उचित प्लेटफॉर्म देते हैं, ताकि हम अपने अनुभवों को, विचारों को, अच्छे नवाचारों को आपस में साझा कर लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त कर सके, मजबूत कर सके। मुझे खुशी है कि कार्यकारी समिति के चेयरपर्सन, उनके सक्रिय सहयोगों से सीपीए ने अंतर संसदीय संगठन में एक विशेष दर्जा हासिल किया है और आज ये एक ऐसा मंच बन गया है जिसके माध्यम से हम अपने अनुभवों, विचारों, नवाचारों, अपने अपने देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से किस तरीके से लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, इसके लिए व्यापक मंच बन चुका है। साथियों, भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर प्रबल समर्थक है और राष्ट्रमंडल संघ के अंदर भी एक सक्रिय और जवाबदेही भागीदारी निभाता है। दुनिया के 100 देश से ज़्यादा देशों में आज भी लोकतंत्र है और दुनिया के अधिकतम देश अपनी शासन पद्धतियों को लोकतंत्र पद्धतियों के अनुसार चलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत लोकतंत्र में एक विशिष्ट स्थान रखता है। भारत का लोकतंत्र बहुत प्राचीनतम है। हमारी जीवन शैली में, हमारे कार्य में, हमारे विहार में दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र भारत का है और दुनिया के अंदर 130 मिलियन आबादी से ज़्यादा ये देश, जहां पर लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है और लोकतंत्र हमें विरासत में मिला है। हमने इस लोकतंत्रीय सोच और विचार को और आगे बढ़ाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा में हमारा लोकतंत्र और सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, परिपक्व हुआ है। लोकतंत्र के प्रति नागरिकों का विश्वास, भरोसा और बढ़ा है। 17 आम चुनावों के अंदर मतदाताओं की लगातार भागीदारी बढ़ने से
जनता में और विश्वास और भरोसा भारत के लोकतंत्र के प्रति बढ़ा है। केंद्रीय विधायिकी के रूप में 800 से ज्यादा माननीय सदस्य, 4000 से ज्यादा हमारे राज्यों के विधायक, 3 लाख से ज्यादा पंचायत, नगर पालिकाएं, हमारा लोकतंत्र का ढांचा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर ग्राम की छोटी इकाई, जहां ग्राम पंचायत जिसे कहते हैं, लोकल बॉडीज, लोकल ग्रामीण बॉडीज कहते हैं, वहां भी लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर सदस्य चुने जाते हैं। इसी तरीके से अर्बन इलाके के अंदर भी लोकतांत्रिक तरीके से सदस्य चुने जाते हैं। इसलिए लोकतंत्र हमारे नीचे से ऊपर तक हमारा लोकतंत्र सशक्त है और इसमें देश के 90 करोड़ से अधिक मतदाता सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं और जिस सहज रूप से जनता का जनादेश के आधार पर सत्ता का सहज स्थानांतरण भारत में लोकतंत्र में होता है, इससे लगता है कि भारत का लोकतंत्र बहुत सशक्त है, मजबूत है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा कार्यशील लोकतंत्र है। सबसे जीवंत और प्रगतिशील लोकतंत्र के लिए विभिन्न स्तरों पर हम लगातार जनता से डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से हमेशा जनादेश लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार हमारे नागरिकों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करते हुए एक समृद्ध और विकसित भारत के रूप में उभर रहा है। भारत में सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयासों से सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं यहाँ पर काम करती है। हमारी कोशिश होती है कि अधिकतम जनता की भागीदारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर हो। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व होने पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये अमृत महोत्सव में हम लोगों की भागीदारी और बढ़े, लोगों का विश्वास और बढ़े, इसके लिए देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं अमृत महोत्सव के माध्यम से जन जन से जुड़ रही है। जिस प्रकार राष्ट्रमंडल विभिन्न देशों का समूह है और सामाजिक कल्याण के लिए काम करता है, उसी तरीके से भारत में भी 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर एक देश बना है। हमारी भौगोलिक, हमारी सांस्कृतिक, हमारी अलग अलग कल्चर, अलग अलग एक्टिविटीज़, खान पान, रहन रहन विविधताओं के होने के बाद भी हमारा लोकतंत्र और सशक्त हुआ है। भारत एक देश, ऐसा देश है जहाँ जितनी विविधता है उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होता चला गया है। साथियों, COVID-19 की विश्वव्यापी संकट ने हम सबको प्रभावित किया है। कोरोना महामारी ने हमें सिखाया है कि हमें सामूहिकता के साथ, एकजुटता के साथ वैश्विक समस्याओं का मुकाबला करना हमारी अब नई जरूरत हो गई है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम किस तरीके से पूरे विश्व के देश मिलकर किसी भी चुनौतियों का, किसी भी संकट का सामूहिकता के साथ मुकाबला करें। राष्ट्रमंडल देशों की हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं अपनी प्रतिबद्धताएं एवं परस्पर सहयोग के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम है। भारत जलवायु परिवर्तन के लिए सामूहिक हल निकालने के लिए COP26 के अंतर अनुमोदित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए
इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे इंसेंटिव हो ताकि नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम प्रयोग हो सके। भारत SDG के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक उस दिशा के अंदर महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। भारत के कुछ जिले जो पिछड़े हैं उन आकांक्षी जिलों को मानकर विशेष रूप से SDG के लक्ष्यों को तय समय पर पूरा करने के लिए काम कर रहा है। भारत वैश्विक रूप से आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोगी देशों के साथ व्यापारिक समझौते कर रहे हैं ताकि हमारा दोनों देश या जिन देशों से हमारे व्यापारिक समझौते हों दोनों देश व्यापार की दृष्टि से समृद्ध हो, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों के अंदर हम सामूहिकता से काम करके किस तरह से अपने अपने देशों को आगे बढ़ा सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में पूरे विश्व को एक परिवार माना है। हमारी संस्कृति हमारे संस्कार में हमेशा हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना से काम करते हैं, सारे विश्व को एक परिवार मानते हैं और इसको मानकर हम काम करते हैं। हमारा अटल विश्वास है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान आपसी बातचीत चर्चा और राजनयिक चर्चा संवाद से होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता वैश्विक समृद्धि के लिए आज अनिवार्य है, इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि पूरे विश्व के अंदर शांति रहे, स्थिरता रहे और सभी देश आपस में इसमें मिलजुल कर काम करें। इसके लिए हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं संसद समय समय पर विभिन्न देशों के संस्थाओं के साथ संवाद करती है ताकि सभी देशों में शांति और स्थिरता रहे, ताकि हम शांति स्थिरता के माध्यम से अपने अपने देशों के अंदर वैश्विक रूप से समृद्धि और विकास कर सकें। आइए, ये मौका है जब हम राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के इस मंच के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करें, अपनी प्रतिबद्धताओं को बुझाएं, विचार विमर्श अनुभव विचारों को साझा करें और अपने अपने देश के अंदर इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक कल्याण कर सकें, जन जन का कल्याण कर सकें। और ये लोकतांत्रिक संस्थाएं जितनी सशक्त होगी जितनी मजबूत होगी उतना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता का अधिकतम कल्याण कर सकेंगे। इसलिए आप यहाँ पर पधारे, आपकी कार्यकारी बैठक दिन भर आज चलेगी, विभिन्न विषयों पर आप चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और आप आज की ये चर्चा परिणामपूर्वक होगी ताकि हम संपूर्ण विश्व के अंदर शांति अस्थिरता के साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करते हुए सशक्त करते हुए किस तरीके से अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेज को अलग अलग लोकतांत्रिक संस्थाएं आपस में अपनाएं ताकि अपने अपने देश को लोकतंत्र को और मजबूत कर सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।